तो ठीक है गाइस, लेट्स बिगिन। आज सबसे पहले आई विल डू अ क्विक रिवीजन, ठीक है, ऑफ डे वन। हमने डे वन में क्या पढ़ा और हम जेएसएक्स को इन डेप्थ आज एक्सप्लोर करेंगे। और आई विल लेट यू नो कैसे हम रिएक्ट में सोचें, ठीक है, हाउ रिएक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस। और जेएसएक्स में कंडीशनली किसी चीज को अगर रेंडर करना है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और आज हम थोड़ा बहुत प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल एक्सप्लेन वर्चुअल डॉम इन डिटेल, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है इसका पूरा मोटिव रहेगा कि हम रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग इन एंड आउट समझ सकें। और आज जो हम पढ़ेंगे वही यूज करके हम रिएक्ट की सारी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंपोनेंट्स और प्रॉप्स, दीज आर टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो विद दैट सेट पहले मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने डे वन में क्या पढ़ा था। हमने डे वन में रिएक्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया था। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड यूआई लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं कंपोनेंट्स और यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। और रिएक्ट का ओनली पर्पस है टू रिड्यूस डॉम नंबर ऑफ डॉम अपडेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉम अपडेट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। और कॉस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि यूआई अपडेट होता है हार्डवेयर के थ्रू। जावास्क्रिप्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करती है, सी प्लस प्लस करती है। जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन देता है ब्राउजर को, ब्राउजर उसको ट्रांसलेट करता है सी प्लस प्लस में, और सी प्लस प्लस हार्डवेयर को ट्रिगर करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही कॉस्टली है। इसी रीजन की वजह से हम डॉम अपडेट्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और हमने थोड़ा जेएसएक्स पढ़ा था। जेएसएक्स बस हम मैंने नाम मात्र का बताया था, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेएसएक्स से पहले हम ये समझते हैं कि हम जेएसएक्स तक पहुंचे कैसे, ठीक है। तो बिफोर जेएसएक्स, ठीक है, जब जब रिएक्ट नहीं थी तब हमारे पास बस दो चीजें थी, और वो दो दो चीजें थी हमारे पास, जे क्वेरी एंड नॉकआउट जेएस, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इन चीजों के नाम सुन रखे होंगे, नॉकआउट जेएस और जे क्वेरी। मैंने दोनों पे काम किया है, ठीक है। अब जो जे क्वेरी है ऐसा समझ लो जावास्क्रिप्ट का बेटर वर्जन है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता था, बने बनाए मेथड होते थे। अगर तुमको सीएसएस चेंज करनी है तो बहुत जल्दी हो जाता था एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, बस तुम्हें बने बनाए फंक्शंस मिल जाते थे और प्लगइन्स बहुत अच्छे से थे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स मिलते थे काफी। तुम एनिमेशन, कस्टम कंट्रोल्स सब तुम जे क्वेरी से बना सकते थे। अगेन, ये इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ये डॉम अपडेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता था। अंडर द हुड ये जावास्क्रिप्ट ही था, ठीक है। तो अर्ली 2000 में जेक्वेरी फेमस था काफी। देन हमारे पास एक नॉकआउट जेएस था। अब नॉकआउट जेएस भी जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड एक यूआई लाइब्रेरी ही थी, समझ लो, ठीक है। नॉकआउट जेएस किस तरह से काम करता था, ये क्या बोलता था कि तुमको अगर कोई यूआई बनाना है तो तुम उसकी एक एचटीएमएल फाइल बनाओ, वन एचटीएमएल फाइल, जिसको इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ, नॉकआउट जेएस, ठीक है। ये क्या बोलता था? एचटीएमएल फाइल बनाओ, इसको ये बोलता था टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट में तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का, ओ सॉरी, यूआई का कोड रहता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने ऐसा कुछ बना दिया H1, और H1 अब ये क्या करता था? ये बोलता था अगर तुम्हें एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज करने हैं तो तुम उन्हें अगेन करली ब्रेस से बना दो। मुझे याद नहीं कौन सा सिंबल था, बट हम करली ब्रेस ही मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया माई नेम। अब ये माई नेम कहाँ से आता था? नॉकआउट जेएस बोलता था तुम अब दूसरी एक फाइल बनाओ जिसका तुम नाम रख दो जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल, टेम्पलेट डॉट जेएस, और उसमें तुम माई नेम का वेरिएबल बनाओ और वहां पे तुम इस टेम्पलेट वाली एचटीएमएल को लिंक कर दो, ठीक है। तो नॉकआउट जेएस इस तरह से काम करता था। एक हमें टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ती थी जहां पे हम अपना एचटीएमएल लिखते थे,
और वही HTML पे हम JavaScript के वेरिएबल्स लिखते थे और JavaScript की फाइल अलग होती थी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि JavaScript और HTML दोनों अलग अलग थी। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है, HTML फाइल तुम्हारी बड़ी हो जाती है, वेरिएबल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने बस एक ही लाइन लिखी है, बट एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यहाँ 200-300 लाइन होती है। अब 200-300 लाइन यानी लाइक से एटलीस्ट 50-60 वेरिएबल्स, डिफरेंट डिफरेंट फाइल स्विच करो, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, नॉकआउट जीएस के बाद जो लाइब्रेरी हमारे पास आई, जो काफी दिनों तक चली, वो थी एंगुलर जीएस। ठीक है, नॉट एंगुलर जो तुम अभी देख रहे हो, पहले ये एंगुलर जीएस थी, ये भी एक टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज थी। ठीक है, जस्ट लाइक नॉकआउट जीएस, इसने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, जैसे कि एडिशनल लाइक से एडिंग ऑफ एक्सटर्नल पैकेजेस, दैट वाज इजी इन दिस एंगुलर जेएस, बट इसने टेम्पलेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था। अभी भी तुमको एचटीएमएल फाइल अलग लिखनी पड़ती थी, जावास्क्रिप्ट फाइल अलग लिखनी पड़ती थी। फिर इसके बाद आया रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट एक डिफरेंट फिलोसॉफी के साथ आया। रिएक्ट ने बोला कि भाई हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, उन्होंने उसको नाम दिया कंपोनेंट्स। उन्होंने बोला भाई रिएक्ट में काम करना है तो तुम्हें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। पहले क्लास के साथ आया था रिएक्ट। तुम्हें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, और इन कंपोनेंट्स की खास बात क्या होगी, यहां यहीं पे तुम एचटीएमएल लिखोगे, यहीं पे तुम HTML लिखोगे, और इस HTML से रिलेटेड जो JavaScript होगी वो भी तुम यहीं पे लिखोगे। और इस लाइक से इस एडिशन की वजह से रिएक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी अपने टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कोई और लाइब्रेरी ऐसा नहीं कर रही थी, सिर्फ रिएक्ट ही थी जो कंपोनेंट बेस्ड थी, जहां पे तुम UI और लॉजिक दोनों एक जगह पे लिख रहे थे। ठीक है, तो ये था लाइक से रिएक्ट का एक प्लस पॉइंट। अब जब रिएक्ट फर्स्ट फर्स्ट आया था, तब JSX नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना पड़ता था तो सॉरी, अगर तुम्हें एक एक UI एलिमेंट बनाना पड़ता था, तो रिएक्ट ने मेथड दिया था रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, इसका यूज करके हम एलिमेंट्स बनाते थे, H1, div, p टैग। अब जैसे जैसे रिएक्ट पॉपुलर होती गई, उन्होंने इसको और इजी करने का सोचा कि भाई और लोग यूज करें। उन्होंने फिर JSX को इंट्रोड्यूस किया, और JSX फेसबुक की टीम ने ही बनाई है। ठीक है, वो कहीं अलग से नहीं आई है, फेसबुक की टीम ने रिएक्ट के लिए JSX को बनाया है। JSX क्या है? JSX इज अ एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम जो जो चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम JSX में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तरीका बदल जाता है, जैसे कि तुम स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पे दिखाया था कि हम JSX में स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते हैं। H1 if, ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट, तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। बट अभी मैंने कहा कि हम JSX में वो सब कुछ कर सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर मैं ट्रिक लगाऊं, ट्रिक क्या, लाइक से इट्स बट ऑब्वियस कि अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं और सिंपली मैं एक फंक्शन बना लूं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं अपनी कंडीशन लिख दूं और यहां से रिटर्न 0 कर दूं या रिटर्न नल कर दूं, और सिंपली XYZ, और इस फंक्शन को कॉल कर लूं, तो कोई एरर नहीं आएगी, दिस इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब XYZ नल रिटर्न कर रहा है। तो JSX इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कौन सी प्रॉब्लम को? कि हम UI और लॉजिक, अगेन मैं लिख देता हूं, UI प्लस लॉजिक हम साथ साथ लिख सके। ठीक है, पहले टेम्पलेट बेस्ड लाइब्रेरीज चलती थी, अभी भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो टेम्पलेट बेस्ड हैं। Vue.js एक टेम्पलेट बेस्ड लाइब्रेरी है। Vue.js में तुम अगर कोड वगैरह देखोगे तो एक HTML फाइल अलग से बनती है और फिर JavaScript की फाइल अलग से बनती है। ठीक है, तो React अगेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने रिएक्ट के कोड में। इसको क्लोज करते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट। ठीक है, सी फ्रॉम JSX, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फ्रॉम JSX, फ्रॉम JSX, ठीक है। यहां पे देखो मैंने JSX लिखी हुई है, दिस दिस माई एप, ये एक फंक्शन है जो कि एक JSX रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो JSX में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो तुमको लगेगा कि तुम HTML लिख रहे हो, बट दिस इज नॉट HTML, दिस इज जावा स्क्रिप्ट। हमारी आंखों को देख के लग रहा है कि ये HTML है, ठीक है, बट मैं एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल में कैसे HTML लिख सकता हूँ? दिस इज अ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर है। देखो ये सिंटैक्स हम नहीं लिख सकते हैं, ये सिंटैक्स पॉसिबल है बैबल की वजह से। बैबल एक ट्रांसपाइलर है, ट्रांसपाइलर इज द ट्रांसलेटर। क्या ट्रांसलेट करता है? नया कोड, न्यू वर्जन का कोड जो ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उनको वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल कोड में, पुराने कोड में जो ब्राउजर समझ सके। ठीक है, अब मैं ये कैसे मानूं कि ऐसा हो रहा है? तो इसे हम इजीली देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, babel.js/repl। रिएक्ट वर्जन 16 से पहले अगर तुम JSX यूज करते हो तो रिएक्ट को इम्पोर्ट करना जरूरी था, बट अब इम्पोर्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि क्योंकि लाइक से इन लोगों ने सब कुछ बदल दिया है। अब तुमको सब बहुत इजी इजी मिल जाता है, ठीक है, लाइक से ऑटो इम्पोर्ट हो जाता है, समझ लो। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है बैबल ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे H1 हेलो H1 टैग लिखा है, ये तुम्हें क्या लग रहा है कि ये HTML है? बट ये HTML नहीं है, ये है। अब ये JSX देखो इस तरह में कन्वर्ट हो जाता है। ये JSX एक फंक्शन जिसमें मैं H1 पास कर रहा हूँ और चिल्ड्रन में हेलो पास कर रहा हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो इसको बदलू, डिव डिव टाइटल डिव स्पैन, स्पैन, सी देखो कैसे ये कॉल हो रहा है। दिस इज, ये बस ऐसे समझ लो, दिस इज जस्ट अ फंक्शन कॉल। ठीक है, ये जो तुम JSX यहाँ पे लिख रहे हो ये एक फंक्शन कॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी तुमने यहाँ पे लिखा है वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो जाता है। ये देखो, ठीक है, तो तुम ऐसे समझ लो JSX एक आर्ग्यूमेंट है। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? बताओ गाइस। अगर सर HTML की जगह नॉन HTML टैग यूज किया, यूजर डिफाइंड टैग अगर हमने राइट किया यहाँ पे तो वर्क होगा क्या? इसीलिए तो JSX है ना भाई, JSX में हम यूजर डिफाइंड टैग ही डालते हैं ना। अभी मैं यहाँ पे बना नहीं सकता ना यार, इस एरर आ जाएगी। बट अभी अगर तुम यूजर डिफाइंड टैग बनाओगे, यूजर डिफाइंड टैग क्या होते हैं मुझे समझाओ। चलो लाइक XML हम यूज करते हैं, XML में हम यूजर डिफाइंड टैग ही डिफाइन करते हैं तो उसको। क्या ये XML है? ये XML नहीं है लेकिन यहाँ पे हाँ तो HTML टैग ही ऐड कर रहे हैं ना, हाँ सुनने यस में तो वही दिख रहा है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वो क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट में भी कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉन HTML डाला यहाँ पे तो वो वर्क होगा क्या, ये बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम बस HTML ही लिख सकते हैं, HTML के अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करते हो वो इंटर्न HTML ही रिटर्न करते हैं। सर तुम मेरा यहाँ क्वेश्चन पर था मेरा एक, कोई बताओ। अगर जैसे कि HTML के टैग्स है फुटर हेडर तो उसको JSX कैसे मतलब ये करता है, रीड करता है पार्सिंग, पार्सिंग पासिंग में? ये देखो ना जहां पे कैसे फुटर HTML टैग है, राइट? अगर मैं यहाँ पे फुटर कर दूं तो कुछ बदलेगा थोड़ी ना भाई, बस ये फुटर चला जाएगा यहाँ पे। अच्छा कल मैंने करके दिखाया था ना तुमको, तुम सिंपली अब तुम्हें पता चल गया ना कि ये फुटर है, बना लो फुटर। अभी बना के दिखाऊंगा आगे कैसे बनाता है। बट ये समझ में आ रहा है ना कि JSX की जरूरत क्यों पड़ी, JSX क्या बन गया प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है,
JSX is a extension of JavaScript, इसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। यहाँ पे हम कस्टम कंपोनेंट लिखते हैं, लाइक से कंपोनेंट बना के हम इस तरह से लिखते हैं ना, लाइक से माई कंपोनेंट, ठीक है। तो इस वजह से XML वर्ड जोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये यूजर डिफाइंड कंपोनेंट है। देखो यहाँ पे माई कंपोनेंट हो गया, बट अगर मैं इस माई कंपोनेंट के इम्प्लीमेंटेशन में जाऊं तो ये माई कंपोनेंट मुझे HTML ही रिटर्न कर रहा होगा कुछ, मतलब कुछ ऐसी JSX दे रहा होगा जो HTML हो। मैं रिएक्ट में कोई टैग इन्वेंट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे div div 2 नहीं कर सकता, ठीक है। या तो div 2 एक कंपोनेंट हो, अदरवाइज एरर आ जाएगी, ठीक है। मैं JSX में वैलिड HTML ही लिख सकता हूँ। अगेन JSX एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, हम हर वो काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में जो JSX में कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और JSX में हम यूजर डिफाइंड कोई कस्टम टैग नहीं लिख सकते हैं, हम जो कंपोनेंट लिखते हैं वो एट द एंड एक वैलिड HTML ही रिटर्न करे। और JSX के कुछ रूल्स हैं, अगर कोई टैग ओपन है तो वो क्लोज होना ही चाहिए। तुम्हें कई जगह दिखेगा कि भाई तुम टैग क्लोज नहीं कर रहे हो, इस तरह से लिख दे रहे हो। तो JSX के जो कंपाइलर है या जो बैबल है, वो तुम्हारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए इस टैग को ऑटो क्लोज कर दे रहा है। बट तुम्हें अपने माइंड में रखना है कि JSX में कोई ऑटो क्लोजिंग टैग नहीं होता, हमको टैग क्लोज करना पड़ता है। और JSX में जो एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं वो कैमल केसिंग में होते हैं इस तरह से, और JSX में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। कंसोल डॉट लॉग एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये रिटर्न करता है कुछ क्या जो भी हम एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है। और एक और बेनिफिट है JSX का, किसी ने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक सुना है, क्या होता है? तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो बैकएंड से या लाइक से हमारी APIs को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। अगर मैं और आसान शब्दों में समझाऊं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो सोशल वेबसाइट हैं, ऐसी वेबसाइट जहां पे कोई यूजर इनपुट दे रहा है, कुछ एंटर कर सकता है, तो वो बहुत ही लाइक से क्रूशियल चीजें होती हैं। क्यों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, चलो यहीं पे समझा देते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, ठीक है। और सपोज करो कि मैं एक ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, उस लाइक से जिस वेबसाइट में मैं काम कर रहा हूँ वहां पे लोग अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक लाइक से मैं मेरा इंटेंशन गलत है, मैं एक एक मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो मैंने कर दिया इंजेक्ट एक इमेज के फॉर्म में, कैसे, मैंने एक करप्ट इमेज बनाई और तुम्हारे वेबसाइट में अपलोड कर दी। तुम उस इमेज को अब यूआई पे डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो यूआई पे डिस्प्ले हम कैसे करते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे ना एक इमेज टैग बना देता हूँ, या डिव बना लेते हैं, चलो डिव आईडी। मैं यहाँ पे कंटेंट एक आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डिव है जिसकी आईडी है कंटेंट। मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। मेरे पास कंटेंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कंटेंट डॉट इनर HTML, ठीक है। लेट्स गो टू द ब्राउजर, ठीक है। हेलो H1, मैंने कुछ गलती कर दी है, टैग क्लोज नहीं किया, ठीक है। सी H1 टैग यहाँ पे बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी इमेज वाला प्रॉब्लम तुमको बताया था कि तुमने इंस्टेड ऑफ इमेज, मान लो लाइक से तुमने कोई इमेज का पाथ अपलोड करवाया यूजर से, या यूजर ने कोई गलत पाथ एंटर कर दिया, और तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, तुम इमेज सेट कर रहे हो,
और इमेज मैंने एक ऐसा यूआरएल दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या लाइक से मैं जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। और इमेज टैग के पास एक फंक्शन होता है ऑन एरर, ठीक है। अब इस ऑन एरर की स्पेशलिटी ये है कि तुम यहीं पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता हूँ, एक मिनट, एक कोट्स की गलती हो रही है, इसे सिंगल कोट करना पड़ेगा। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, क्या मिस किया मैंने, अच्छा सी अलर्ट हो गया, ठीक है। अब जो अटैकर होता है उसका पर्पस बस यही होता है कि किसी तरह वो, उसने जो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है वो इसको एग्जीक्यूट करा दे, ठीक है। इससे कई तरह के अटैक हो सकते हैं। अगर तुम इस, फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया होता, तो अब देखो जितनी बार कोई भी यूजर वेबसाइट खोलता उसको अलर्ट दिखता, ठीक है। अभी मैंने बस एक अलर्ट दिखाया है, तुम यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते थे लाइक से कि तुम सारे जो भी पोस्ट हैं उस पे क्लिक करवा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे तुम कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, बट ये चीज तुम रिएक्ट में नहीं कर सकते हो। रिएक्ट बाय डिफॉल्ट क्रॉस साइट, सॉरी रिएक्ट नहीं, जेएसएक्स, जेएसएक्स बाय डिफॉल्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अभी अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊ एक्स इज इक्वल टू, इसमें मैं सिंपली यही स्ट्रिंग डालूं और यहां पर मैं लिख दूं एक्स, तो यहाँ पे ना देखो ये एज इट इज आ जाएगा ये। तो ये भी JSX का एक एडवांटेज है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो देखो अब अगेन हम घूम फिर के स्टार्टिंग में ही आते हैं कि जेएसएक्स मैं क्यों लिखूं, मैं एचटीएमएल भी तो लिख सकता हूं। तो देखो तुम्हें एक वेब ऐप और एक वेबसाइट में डिफरेंस समझना होगा। एक वेब ऐप होती है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज आर वेब ऐप्स, ठीक है। अब एक वेबसाइट क्या होती है, एक नॉर्मल पोर्टफोलियो की वेबसाइट, ठीक है, जहां पे एक बस एचटीएमएल पेज है, कोई जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन नहीं है, थोड़े बहुत एनिमेशंस लगे हैं, दैट्स इट। वो एक अलग कैटेगरी है। उस तरह की एप्लीकेशंस को तुम वेब ऐप नहीं बोल सकते हो। अगर तुम तीन चार पोर्टफोलियो वेबसाइट बना 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 के बोल रहे हो तुम्हें फ्रंट एंड आ गया है, तो तुम्हें थोड़ा सा लाइक से देखना चाहिए कि क्या क्या है रियल फ्रंट एंड। तो जब हम रिएक्ट की बात करते हैं तो हम एक वेब ऐप की बात करते हैं जहां पे खूब सारा जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम डॉम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो वेब ऐप में मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के भरोसे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एचटीएमएल लिखूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यही जो मैंने आईडी रूट बनाया है, और अभी अगर मुझे एक टू डू ऐप बनानी हो तो मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। बट विथ रिएक्ट मैं इजिली जेएसएक्स का यूज करके एलिमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल भी तुमको दिखा देता हूँ। सपोज करते हैं मुझे एक एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है, ठीक है। अब एचटीएमएल का यूज करके तो मैं इजिली बना सकता हूँ, बट मुझे जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली बनानी है फॉर एग्जाम्पल। तो जावास्क्रिप्ट में डायनेमिकली हम कैसे बना सकते हैं, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लाइक से इनपुट और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इनपुट, ठीक है। और फिर मुझे इस इनपुट को कहीं अपेंड करना पड़ेगा, मुझे बॉडी गेट करनी पड़ेगी, कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम बॉडी 0, और फिर मुझे इस बॉडी में अपेंड करना पड़ेगा इनपुट को, ठीक है। और फिर अगर मुझे इस इनपुट पे कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई करनी है तो इनपुट डॉट स्टाइल डॉट कलर इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोड देख रहे हो कितना लंबा है, बट अगर यही काम मुझे जेएसएक्स का यूज करके करना पड़े तो सिंपली,
सी दैट्स इट। और अगर स्टाइल पास करनी है तो यहीं पे मैं स्टाइल पास कर सकता हूँ एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये फायदा होता है जेएसएक्स का, तुम्हें एचटीएमएल की पावर मिलती है प्लस जावास्क्रिप्ट का मैजिक, और सारा कोड तुम एक जगह लिख सकते हो। अब तुमको ये थोड़ा बहुत समझ में आया जेएसएक्स क्या होता है? बताओ गाइस, जेएसएक्स आया समझ में? जेएसएक्स यस सर, वो स्टाइल में डबल कर्ली ब्रेस। हाँ, बेसिकली देखो, अभी अगर मुझे ना यहाँ पे स्टाइल वगैरह पास करनी है तो मैं, अब जैसे सीएसएस में हम ऐसे लिखते हैं ना, बैक ग्राउंड डैश कलर, तो यहाँ पे डैश हट जाता है, सब कैमल केसिंग में हो जाता है। और अगर यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर सकता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टाइल ऑब्जेक्ट की तरह हमें पास करना पड़ता है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ओपीछे, ठीक है, अभी मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो एक इनपुट बन गया जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है। ठीक है, तो जेएसएक्स में हम एचटीएमएल ही लिखते हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैमल केस में हो जाते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स में तुम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पास कर सकते हो, जैसे यहाँ की मैं स्टाइल पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड कर सकते हो देव। जी जेएसएक्स, ठीक है। तो रिएक्ट में हम जेएसएक्स का यूज करके यूआईज बनाते हैं, एचटीएमएल टैग्स वगैरह हम जेएसएक्स का यूज करके लिखते हैं। जो चीज तुम डॉट एचटीएमएल में लिखते थे वो चीज यहाँ हम जेएसएक्स में लिखते हैं। अभी जब कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे जेएसएक्स फिट होते हैं कंपोनेंट में, बट अभी के लिए जेएसएक्स बस इतना सा पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है, समझ लो सिंटैक्स एक्सटेंशन है। तुम .js फाइल में भी जेएसएक्स लिख सकते हो, और जेएसएक्स की अलग से फाइल बना सकते हो .jsx। कहीं कहीं पे तुमको .jsx देखने को मिलेगा। .jsx फाइल का बस इतना ही मतलब है कि इस फाइल के अंदर जेएसएक्स लिखा है, दैट्स इट। और जेएसएक्स बस इतना ही पार्ट है, ये जो एंगल ब्रैकेट से शुरू होकर खत्म हो रहा है। कई लोगों को लगता है कि जेएसएक्स पूरी फाइल है, अगर उन्होंने कोई ऐसे फाइल बना दी लाइक से मतलब xyz.jsx, तो उनको लगता है कि पूरी फाइल में जो लिखा है वो जेएसएक्स है। नहीं, जेएसएक्स बस जो एंगल ब्रैकेट्स में तुम लिखते हो वही जेएसएक्स होता है, बाकी सब जेएस ही है। तो आगे बढ़े या इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी अगर इसमें पूछना हो तो बताओ, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा। तो जेएसएक्स को खाली रिएक्ट के साथ ही यूज करते हैं या नॉर्मली हम जैसे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं वैसे भी कर सकते हैं? नहीं, तो देखो प्रिफर्ड है कि तुम रिएक्ट के साथ यूज करो, जेएसएक्स बनाया ही रिएक्ट ने है, रिएक्ट की टीम ने रिएक्ट के लिए। तो ऐसी लाइब्रेरीज जो रिएक्ट पे बेस्ड है वहां पे तुम जेएसएक्स यूज करोगे तो तुम्हें बेनिफिट लाइक से बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एक लाइब्रेरी है पी रिएक्ट, जो कि रिएक्ट से थोड़ा ज्यादा फास्ट क्लेम करती है, वहां पे तुम जेएसएक्स लिख सकते हो। अब हर लाइब्रेरी अपने इकोसिस्टम के साथ आती है, जेएसएक्स हर जगह फिट नहीं होगा, ठीक है। तो जो लाइब्रेरीज रिएक्ट जैसा परफॉर्म करती हैं, रिएक्ट से रिलेटेड है, वहां तुम जेएसएक्स आराम से यूज कर सकते हो। मेरे हाँ, मेरे नॉलेज में बस पी रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पे तुम यूज कर सकते हो इसको, जेएसएक्स को, बट इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। व्यू में मैंने देखा था, बट व्यू व्यू डिस्करेज करता है कि तुम जेएसएक्स यूज करो। और बताओ गाइस, आगे बढ़े? यस सर, सर वो जो एक्स क्रॉसिंग जो बोले थे उस टाइम पे,
सॉरी क्या वो सर एक्स क्रॉसिंग जो उस टाइम पे बता एक्स हाईजैक जो क्रॉस, हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है सर, तो क्या वो व्यू में भी सपोर्ट करता है और एंगुलर में ये चीज? वो एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस में होता है, ठीक अच्छा है। यूआई यूआई और ब्राउजर में उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बोलते हैं। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में एक्सेसिस, एक्सएसएस। इसका मतलब बस यही होता है कि जो भी अटैकर होता है किसी तरह उसका एम होता है तुम्हारे वेब पेज में अपनी जावास्क्रिप्ट को रन करना, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी वेबसाइट कैसी है, बहुत सारा डैमेज कर सकता है कोई, ठीक है। अब समझो, देखो फेसबुक कैसे काम करता है। अगर तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं कुछ भी पोस्ट करूंगा तो तुमको दिखेगा, राइट? अगर तुमको दिख रहा है दैट मींस तुम्हारे ब्राउजर में रन हो रहा है। एग्री कर रहे हो सब? अभी अभी अगर मैं हम मीट में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम मीट में सब लोग बात कर रहे हैं। अभी मैं यहां पे अगर हाई भेजता हूं, सबको हाई दिखा, तो स्क्रीन विजिबल है गाइस या फ्रोजन है? सर हाँ, विजिबल है या विजिबल हाँ, अभी मैंने हाई भेजा, ये सबको दिख रहा है, ठीक है, सबके सिस्टम में। दैट मींस कि जावास्क्रिप्ट तुम्हारे सिस्टम में रन हो रही है। अभी अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा भेज दूं, स्क्रिप्ट वाइल वन, तो ये तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर देगा, राइट? अगर ये चल जाए तुम्हारे सिस्टम में, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है, तुम्हारा ब्राउजर हैंग हो जाएगा, तुम्हें एट द एंड बंद करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर मैंने तुम्हें ये मैसेज में भेज दिया फेसबुक में या इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पर भी, और गलती से ये एग्जीक्यूट हो गया, जिन जिन लोगों के सिस्टम में चलेगा उनका सिस्टम बंद हो जाएगा। जितनी बार वो ट्विटर खोलेंगे, जब तक मेरा मैसेज उनको लाइक से हट नहीं जाता, हर बार उनका सिस्टम क्रैश होगा। तो इस तरह से अटैकर अटैक करता है, ठीक है। और तुम्हारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लीक हो जाती है, कैसे? वाया कुकीज। जब भी देखो, लोग क्यों कहते हैं कि लिंक्स पे क्लिक मत करो, क्योंकि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो कुकीज को और अपने आप भेज देता है। अगर तुम किसी लिंक पे क्लिक करते हो, तुम्हारे सिस्टम में कुकीज सेट है उस पर्टिकुलर डोमेन पे, तो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। ये मैंने पिछले सेशंस वीडियोस में बताया था, मैं रेफरेंस शेयर कर दूंगा कल, या लाइक से अगर इंटरेस्टेड हो गए तो। इसीलिए बोलते हैं कुकीज पे क्लिक मत, या मैलिशियस लिंक पे क्लिक मत करो, क्योंकि तुमने जैसे ही क्लिक किया सारी इंफॉर्मेशन गई। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि स्क्रिप्ट इंजेक्ट करा के जितने भी तुम्हारे पेज पे लिंक्स हैं उनको बदल देते हैं, तुम कहीं पे भी क्लिक करो उनकी वेबसाइट में जाओगे। तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। हमें हमेशा डॉट इनर एचटीएमएल को सोच समझ के यूज करना चाहिए। जेएसएक्स बाय डिफॉल्ट अपने को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से वो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो चलो अब अलाइक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम समझते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं। थिंकिंग इन रिएक्ट, ठीक है। अगर मैं रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा हूं, तो वो पहली क्या चीज है जो मुझको करनी चाहिए, ठीक है। और मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, जो लोग फ्रेशर हैं, जॉब खोज रहे हैं, अभी तक जॉब नहीं लगी है, तो उनको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो वेब पैक के डिटेल में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि सी
तुम लोगों से इंटरव्यू में उतना डिटेल में वैसे भी कोई नहीं पूछेगा, बेसिक्स ही पूछेंगे, तो तुम लोगों को अपने बेसिक्स पे ज्यादा वर्क करना है। जब एक बार जॉब लग जाए तो बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर करो, ठीक है, जैसे कि वेब पैक कैसे काम करता है, एंड इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। और सेम प्रोजेक्ट बनाने में भी, रिएक्ट पे जब भी तुम प्रोजेक्ट बनाना, फायरबेस, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, एंड डिजाइन, ऐसी कोई भी लाइब्रेरी जो तुम्हें बने बनाए चीजें दे, उसको दूर से ही टाटा बाय बाय कर दो। कोई भी कंपनी तुमसे ये सब चीजें नहीं पूछने वाली है, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर। अगर तुमने किया भी होगा तो कोई वैल्यू नहीं है। दो दिन में तुम बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, दो दिन में तुम टेलविंड सीख सकते हो, उस पर दिमाग मत लगाओ। सीएसएस सीखने में दिमाग लगाओ, जावास्क्रिप्ट सीखने में दिमाग लगाओ, और लॉजिक बिल्डिंग करने में दिमाग लगाओ, ठीक है। और क्योंकि ये अननेसेसरी चीजें हैं, इस पे तुम तभी अपना टाइम लगाओ जब तुम्हारे पास बहुत टाइम है वेस्ट करने को। ये अगर तुम ये सोच के पढ़ रहे हो कि इंटरव्यू तुमसे पूछेंगे और तुम बता के सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होने वाला, बहुत रेयरली है कि कोई ये पूछे, ठीक है। और अगर तुम बस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो, क्यूरियस हो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जॉब के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो अंटिल एंड अनलेस तुम जॉब में हो, क्योंकि जॉब में हो तो लाइक यू आर सिक्योर, तुम अब अपस्किलिंग कर रहे हो, ठीक है। बट अगर जॉब ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है लाइक से अपना दायरा बढ़ाने का, अपनी एक स्किल को एक्सपर्ट कर लो और फिर चीजों को देखो, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट से पहले क्या कोई ऐसा है जिसने जिसने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है और जावास्क्रिप्ट उसकी पहली लैंग्वेज है, ऐसा कोई है क्या? ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कभी भी किसी की फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम दूसरी लैंग्वेजेस में फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है, क्लासेस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को एक प्रोग्राम दूं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, फंक्शन सम रिटर्न ए प्लस बी और ए कॉमा बी सम। ये फंक्शन क्लियर है सबको क्या कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा ये फंक्शन क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन ये फंक्शन पास की हुई वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं हमको एक नंबर, उनको ऐड करने के बाद। ऐसा कोड हम अब तक लिखते आए हैं सी में, जावा में, जो भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब जब हम रिएक्ट में आते हैं तो टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। अब रिएक्ट हम यूज करते हैं यूआई के लिए, अब सी जावा में ये आउटपुट टर्मिनल में दिखता है, रिएक्ट में मुझे ब्राउजर में दिखाना है। तो अभी अगर सेम फंक्शन मैं यूआई के लिए लिखूं कि मुझे दो नंबर को ऐड करने के बाद उनका जो सम है वो यूआई पे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन सम रिटर्न डिव ए प्लस बी ए कॉमा बी और जहां पे भी मुझे इस रिजल्ट को दिखाना होगा वहां पे मैं कॉल कर लूंगा और आर्गुमेंट भेज दूंगा। ठीक है, तो जब हम रिएक्ट की दुनिया में आते हैं तो जो फंक्शंस हम लिखते थे सी जावा उधर उधर, वो यहां पे कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, दिस सम इज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट का एक जॉब है, जॉब क्या है, रिटर्न यूआई यूआई एलिमेंट, रिटर्न सम यूआई। ठीक है, रिएक्ट में एक कंपोनेंट को कुछ ना कुछ रिटर्न करना बहुत जरूरी है।
या तो वो यूआई एलिमेंट रिटर्न करे या तो वो रिटर्न नल करे, दिस इज मैंडेटरी। अगर तुम एक कंपोनेंट रिएक्ट में बना रहे हो, या तो नल रिटर्न करो या तो कोई यूआई रिटर्न करो या तो एमपीटी एच1 टैग या कुछ भी रिटर्न करो, बट रिटर्निंग समथिंग इज मैंडेटरी। ये मैंने तुमको एक एनालॉजी के थ्रू समझाया है कि जैसे सी वगैरह में तुम नॉर्मल फंक्शन लिखते थे जो वैल्यूज रिटर्न करते थे, रिएक्ट में हम कॉम्पोनेंट्स लिखते हैं जो कि सेम फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस का काम होता है यूआई को रिटर्न करना। ठीक है, अब इन कॉम्पोनेंट्स की स्पेशल पावर है ये जेएसएक्स। ठीक है, यहां पे मैं जेएसएक्स लिख सकता हूं, और जैसे ही जैसे तुम दूसरी लैंग्वेज में फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हो, सिमिलरली कॉम्पोनेंट्स में भी तुम फंक्शन बना सकते हो इस कॉम्पोनेंट के अंदर। ठीक है, अभी अगर मैं कॉम्पोनेंट को डिफाइन करूं, कॉम्पोनेंट क्या होता है, तो कॉम्पोनेंट इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ यूआई एलिमेंट। ठीक है, अभी हम चलते हैं ब्राउजर, सॉरी मैं रिएक्ट के कोड में इसको हम बंद कर देते हैं एंड लेट्स रिमूव अननेसेसरी कोड। ठीक है, लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं? फंक्शन। कैसे फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जो कुछ यूआई एलिमेंट रिटर्न करे। तो कंपोनेंट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, कुछ भी। कंपोनेंट की नेमिंग कन्वेंशन भी देख के करनी है। रिएक्ट रेकमेंड करता है कि जो भी तुम कंपोनेंट्स बनाओ उसका पहला लेटर कैपिटल हो। ऐसा क्यों, वो भी मैं तुमको भी बताता हूं। ये सिंपली ये एक कंपोनेंट है जिसका काम है HTML टैग्स को रिटर्न करना। here from कुछ भी कंपोनेंट। ठीक है, और इस कुछ भी को मुझे कहीं पे लगाना भी पड़ेगा, मैं यहां पे लगा देता हूं ऐप की जगह। ठीक है, क्योंकि ऐप कंपोनेंट मैंने हटा दिया है। ठीक है, हे देयर फ्रॉम कुछ भी कंपोनेंट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। हे देयर फ्रॉम कुछ भी कंपोनेंट। अब रिएक्ट ऐसा क्यों बोलता है कि तुमको कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल रखना है? लेट्स सी फंक्शन प्रोडक्ट नेम रिटर्न। और मैं इस डिव के अंदर इस कंपोनेंट को यूज कर लेता हूं। हम कंपोनेंट जेएसएक्स के अंदर अपने कंपोनेंट्स यूज कर लेते हैं। जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या हम यूजर डिफाइंड टैग्स यूज कर सकते हैं? अब अगर तुम बोलोगे क्या ये प्रोडक्ट नेम यूजर डिफाइंड टैग है, नहीं, ये यूजर डिफाइंड टैग नहीं है, टैग वर्ड है, ये टैग नहीं है, ये कंपोनेंट है जो एट द एंड एक वैलिड HTML ही रिटर्न कर रहा है। H2 एक वैलिड HTML टैग है। यहाँ पे मैं H2 लाइक से H2 3 नहीं कर सकता, ये एक टैग नहीं है, एरर आ जाएगी। सी ये देखो, द टैग H2 3 इज अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो देखो रिएक्ट पहला वर्ड कैपिटल क्यों बोलता है? सो दैट रिएक्ट डिफरेंशिएट कर सके नॉर्मल HTML टैग में और कंपोनेंट में, क्योंकि HTML टैग्स हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल p कर दूं तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर क्यों आएगी? क्योंकि रिएक्ट को लगेगा कि ये प्रोडक्ट नेम HTML टैग है। सी लेट्स सी क्या होता है। सी ये देखो एरर आ गई, रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा प्रोडक्ट नेम टैग है कि कंपोनेंट है। इसीलिए रिएक्ट रेकमेंड करता है कि तुम क्या कंपोनेंट का नेम हमेशा कैप्स में रखो, सो दैट रिएक्ट इजीली डिफरेंशिएट कर सके
कंपोनेंट और टैग्स में। ये क्लियर है सर? ये इस तरीके से हमने जैसे ये प्रोडक्ट नेम लिखा है तो मतलब ये कंपोनेंट को हम कॉल कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं? हाँ अभी बताऊंगा मैं। अभी जब मैं कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा, अभी मैं कंपोनेंट्स में नहीं गया हूँ, मतलब अभी ओवरव्यू धीरे धीरे हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी आई विल एक्सप्लेन की व्हाट इज दिस। ठीक है, देखो कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट एक फंक्शन होता है जिसका काम है एक वैलिड यूआई एलिमेंट को रिटर्न करना। रिटर्निंग समथिंग फ्रॉम अ कंपोनेंट इज मैंडेटरी। ओके, जैसे कि यहां पर हमने देखा भी, अगर तुम यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तो तुमको एरर देखने को मिल जाएगी। एरर नहीं आई, अच्छा, क्योंकि यहां से हम कुछ नहीं रिटर्न करते हैं। आई डोंट, अच्छा ठीक है, माइट बी रिएक्ट इसको इंटरनली मैनेज कर रहा हो। जब हम एक सेटअप में वर्क करते हैं, जैसे एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, तो वहां पे ना कई सारे लिंक चेक्स वगैरह ऐड होते हैं, वो इमीडिएटली एरर थ्रो कर देते हैं कि यू आर नॉट रिटर्निंग फ्रॉम अ कंपोनेंट। तो आइडियली यहां से भी एरर आनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो क्यों ये एरर थ्रो नहीं कर रहा है। माइट भी एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट का अपना एक स्ट्रिक्ट मोड होता है, वो हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, बट हमेशा हमें कंपोनेंट से कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, ठीक है? दिस इज अ रूल। ओके सर। सर लाइक आपने बोला कि लाइक कंपोनेंट हमेशा कैपिटल होता है क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाना है टैग्स। यस यस। लेकिन सर हमारा जो टैग्स होता है वो तो केस सेंसिटिव नहीं होता है। हाँ, टैग्स नॉर्मल ये वाले टैग्स div, ये वाले। यस सर ये तो लाइक बाय कन्वेंशन हम लिखते हैं। नहीं, बाय कन्वेंशन नहीं लिखते हैं। HTML टैग्स स्मॉल में ही होते हैं हमेशा। कहीं तुम्हें दिखता है कोई ऐसा HTML टैग जो कैप्स से शुरू हो? जो HTML केस इनसेंसिटिव है, ठीक है? HTML में तुम चाहे कैप्स ऑन करो ऑफ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, अगर मैं पहला कैपिटल लिख दूं सर तो वही मतलब ये यहाँ पे लेकिन एरर थ्रो कर देगा। हाँ, यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। अगर तुम इस डी को डी कर दो तो तुम्हें एरर देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये कॉम्पोनेंट डिव खोजने चला गया है, ठीक है? सी, अब इसको क्या लग रहा है कि तुम डिव कॉम्पोनेंट तुमने कोई बनाया है। अब अगर मैं इसको डिव कर दूं, ये इस कॉम्पोनेंट को खोज रहा है। सी, अभी एरर चली जाएगी। अभी ये डिव कॉम्पोनेंट को खोज रहा है, टैग को नहीं खोज रहा। इसीलिए तुमको हमेशा HTML टैग्स को स्मॉल में लिखना चाहिए, कंपोनेंट्स को कैप्स में बनाना चाहिए। लेकिन सर यही मैं अगर मैं प्योर HTML फाइल में बनाता तो वो हाँ, कैपिटल वाला सही देता। हाँ, अगर तुम HTML में लिखते तो ये एकदम फाइन था, क्योंकि HTML केस इनसेंसिटिव है, वहां पे कैप्स ऑन है ऑफ है कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, गॉट इट। सर एक और सर, लाइक यहाँ पे सर हम कंपोनेंट वाले में मतलब कि मैं ये सोच रहा था कि लाइक यहाँ हम खुद के टैग्स बना सकते हैं, मतलब खुद के टैग्स नहीं बना सकते हैं, वो एक्चुअली में कंपोनेंट है। यस, तुम खुद के टैग्स नहीं बना सकते हो। खुद के टैग्स एक अलग ही चीज होगी। फिर वो उसको हम स्टाइल देते हैं जो फिर स्टाइल कंपोनेंट बोलते हैं। तो अभी जिसने वो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उसका आंसर करीब टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है। जिसने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा था ना, प्रोडक्ट नेम, मैंने ही पूछा था क्वेश्चन, अगर ये प्रोडक्ट नेम है तो ये प्रोडक्ट नेम को अगर मैं हेडर कर देता हूँ कंपोनेंट, उसका एच कैपिटल कर देता हूँ तो वो आई थिंक वर्क कर जाएगा क्योंकि उसको एज अ कंपोनेंट। यस, तो हेडर ये इसमें क्या दिक्कत है? तो वर्क करेगा ही करेगा। यस, तो ये हेडर HTML वाला हेडर नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हेडर वाला HTML वाला हेडर है, अगर मैं इसको हटा दूं तो तुम्हें एरर देखने को मिलेगी। यस, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हेडर कंपोनेंट खोज रहा है, और हेडर कंपोनेंट कहाँ है? ये रहा। अभी अगर तुम्हें हेडर टैग चाहिए तो H स्मॉल होना चाहिए। H स्मॉल,
रिएक्ट सिर्फ ये था कि रिएक्ट और जेएसएस को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है टैग्स और कंपोनेंट नेम में, मतलब वो डिफाइन कर ले रहा है खुद की, अगर कैसे भी आ रहा है हेडर, अगर एच कैपिटल भी हो तो वो समझ ले रहा है कि ये कंपोनेंट रहेगा और स्मॉल आएगा तो ये टैग रहेगा। मेरा कंफ्यूजन सिर्फ वही था। यस, अगर पहला कैरेक्टर कैपिटल है दैट मींस इट्स अ कंपोनेंट, अगर पहला कैरेक्टर छोटा है दैट मींस इट्स अ टैग, दैट्स इट। ठीक है, अब अगेन तुम कंपोनेंट के अंदर कितने भी कंपोनेंट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर यूज कर लिया तो इट्स कंप्लीटली फाइन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है थिंकिंग इन रिएक्ट जो मैं बताना चाहता था, तुम्हें कभी भी कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट मिले तुम्हें सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आर द सिंपल फंक्शंस दैट रिटर्न्स अ यूआई एलिमेंट। रिएक्ट फोकस करता है कि हम हर एक चीज को कंपोनेंट में बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है, ठीक है, अभी अगर तुम इस स्क्रीन को बना रहे हो, तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए फाइंड आउट हाउ मैनी कॉम्पोनेंट्स यू नीड। अब तुम कैसे डिफाइन करोगे कितने कॉम्पोनेंट्स चाहिए? मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ, आई हैव टेकन द स्क्रीन शॉट। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इस स्क्रीन को बनाना होता मैं कैसे कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड करता? मैं सबसे पहले देखता कि अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे एक इमेज कंपोनेंट चाहिए जो कि इमेज को शो करेगा, एक इमेज ये हो गई, एक इमेज ये हो गई, एक मैं साइड में ना कुछ लिखने का भी खोल लेता हूँ, यहाँ पे सही रहेगा। इमेज कंपोनेंट, ठीक है, टेक्स image name as argument and image size as argument। ठीक है, मेरे पास मेरा ये image component clear है। अब मैं देखता कि मुझे अब कौन सा component चाहिए, तो मैं देखता यहाँ पे कुछ text लिखे हुए हैं but different size है, तो मैं क्या करता एक component बनाता text component इनके लिए। ठीक है, अब इस टेक्स्ट कंपोनेंट का काम क्या होता? सिंपल टेक्स्ट दिखाना, और ये क्या लेता? टेक्स्ट एज अ आर्ग्यूमेंट और साइज एज अ आर्ग्यूमेंट, फॉन्ट साइज और लेट्स टेक फॉन्ट वेट एज वेल। ठीक है, दो कंपोनेंट मैंने फाइनलाइज कर लिए। अब मैं देखता कि यार यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ये भी एक टेक्स्ट कंपोनेंट ही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बटन्स दिख रही हैं कुछ, तो एक बटन ये है और यहाँ पे मुझे तीन आइकन बटन दिख रही हैं, एक बटन ये है। तो अब मैं एक कंपोनेंट बनाता बटन कंपोनेंट, इस बटन कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती लेबल एज अ आर्ग्यूमेंट लेना, एज अ आर्ग्यूमेंट ऑन क्लिक की बटन क्लिक पे क्या करना है एज अ आर्ग्यूमेंट, और आइकन एज अ आर्ग्यूमेंट। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की बटन है, आइकन बटन है, ये फिल्ड बटन है, ये आउटलाइंड बटन है, तो मैं यहाँ पे टाइप भी ले लेता टाइप एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर मैं देखता कि यार अच्छा यहाँ पे देखो सर्च फील्ड भी है मेरे पास एक, और सर्च फील्ड में दो बटन है, इन दोनों बटन को मैं इसी बटन से बना लेता, सर्च फील्ड के लिए एक कॉम्पोनेंट बनता, सर्च फील्ड के लिए कॉम्पोनेंट बनता। और यहाँ पे थंबनेल, लाइक बटन, वीडियो, ये कुछ अलग तरह से लिखे गए हैं, ये ऐसे समझ लो बटन जैसे लग रहे हैं बट बटन है नहीं, इनको टैग्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसे कंपोनेंट्स बना रखे हैं इसलिए मुझे पता है कि ये टैग है, जैसे जैसे तुम काम करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज को ये बोलते हैं। बट अगर तुम्हें नहीं पता इसको क्या बोलते हैं तो तुम आइदर इसको टेक्स्ट में डाल दो, टेक्स्ट विद बैकग्राउंड कलर,
या अपने आप से तुम कोई कंपोनेंट बना लो, बट द क्रक्स इज मतलब बट लाइक से द पॉइंट इज कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, नाम तुम्हें जो रखना है रखो बट कंपोनेंट बनाना है। मैं इसको टैग नाम दे देता हूं, इसका काम है टेक्स्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट लेना, ये मेरा पहला काम होगा, ठीक है। मैंने अब कंपोनेंट डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे इतने कंपोनेंट बनाने हैं, मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाऊंगा, मैं यूआई देखूंगा ही नहीं कि भाई लेआउट क्या है, जब मेरे कंपोनेंट सारे बन जाएंगे फिर मैं यूआई बनाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूंगा इससे क्या फायदा होगा, जब मैं यूआई बनाने बैठूंगा मेरे पास सारी चीजें रेडी हैं, अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे बस नॉर्मली फंक्शन कॉल करना है और चीजों को बना लेना है। जब तुम ऐसा करोगे 3-4 दिन तुम्हें लगेगा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ठीक है, बट जब तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो जाएंगे तुम ये यूआई विद इन मिनट्स बना लोगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं चलो मेरे कंपोनेंट्स रेडी हो गए, ठीक है, अब देखो ये यूआई बनाना कितना इजी है मेरे लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक हेडर है, तो मैं सिंपली एक हेडर कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है। इस हेडर में मुझे क्या पास करना है, बटन टाइप इज इक्वल टू आइकन, ठीक है, दैट्स इट। और यहां पे मैं आइकन पास कर दूंगा कि क्या आइकन है, जो भी है इमेज वगैरह जो भी है, इससे मेरी बटन बन गई, फिर ये इमेज, फिर ये इमेज। तो तुमने जो भी अपना प्रोडक्ट डिसाइड किया है कि तुमको बनाना है, तुम सारे उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स एक फाइल में लिख लो कि तुम्हें इतने कंपोनेंट्स बनाने हैं, उन सारे कंपोनेंट्स के वेरिएशंस बना लो, ठीक है। माइट भी तुम्हें 1 हफ्ते लगे, 2 हफ्ते लगे, जब तुम्हारे कंपोनेंट्स बन जाएं फिर तुम अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। सो दिस इज द करेक्ट वे हाउ टू बिल्ड समथिंग। इसके 2 फायदे होंगे, सबसे पहली चीज तुम्हारे पास सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं, तुम उनको गिटहब में पुश कर सकते हो, लोगों को बोल सकते हो भाई देखो मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, रिव्यू देम, यूज देम और अपने फीडबैक शेयर करो। एक स्टोरी बुक करके आता है, इसमें ब्राउजर में दिखा देता हूँ, दिस इज जैसे जैसे रिएक्ट है वैसे एक स्टोरी बुक एक लाइब्रेरी है जिसका काम है तुम्हारे कॉम्पोनेंट्स को दिखाना, दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी फैंसी सा नहीं है, दिस इज जस्ट अ लाइब्रेरी, सिंपली इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करो और अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे ऐड कर दो, ये तुम्हें इजीली दिखा देगा कौन कौन से कंपोनेंट्स तुमने बनाए हैं, तुम्हें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये अपने आप कुछ नहीं करता, ये बस तुमको एक प्लेटफॉर्म दे देता है, एक वेब पेज दे देता है जहां पे तुम अपने कंपोनेंट्स ऐड करो। मुझे ये काफी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, अगर तुम लर्निंग पर्पस के लाइक से तुम अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं प्रिफर करता हूं अगर मैं अकेला कर रहा हूं मैं सिंपली अपने प्रोजेक्ट में एक पेज बना लेता हूं, उस पेज में सारे कंपोनेंट लगा देता हूं जो जो मैं बना रहा हूं, सो दैट मैं खुद देखता रहूं। अगर तुम्हें दूसरों को दिखाना है तो स्टोरी बुक, खुद देखना है तो सिंपली एक पेज में सारे कंपोनेंट्स बना लो। इसमें बताओ लाइक कोई डिस्कशन, कुछ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर, ये जो सर्च कंपोनेंट है सर, हाँ सर, सर्च कंपोनेंट एक बार और थोड़ा उसको ब्रेक डाउन कर देंगे कि सर्च मतलब क्या ब्रेक डाउन करवाना चाहते हो? लाइक हमने सर, हम एक सर्च के लिए कंपोनेंट बना सकते हैं सर। मैंने सर प्रोजेक्ट में एक सर्च कंपोनेंट बनाया था सर, उसमें मुझे इशू ये आ रहा था कि मैंने तो सर सर्च का एक कंपोनेंट बना के इनपुट टाइप करके वो कर दिया था सब कुछ, फिर मुझे सर डेटा शेयर करने में दिक्कत हो रहा था, यहाँ से डेटा उठा के मुझे दूसरे वाले में सर्च करवाना था, तो मुझे फिर एक फंक्शन लिखना पड़ा था सर। तो लाइक वो सही है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा फिर वो कैसे हो रहा। हाँ तो वो अलग प्रॉब्लम है ना भाई, वो तो तुम्हारा कोड की दिक्कत है ना, तुमने स्टेट्स वगैरह ऊपर नीचे कर रखी होंगी सर। तो सिर्फ सर्च कंपोनेंट में सिर्फ हमारा वो इनपुट बॉक्स टाइप होगा सर बस। अब अगर ये सर्च कंपोनेंट मैं बनाता हूं, या अगर मैं तुम सबसे पूछूं इस सर्च इनपुट बॉक्स का क्या काम होना चाहिए,
ये क्या काम करेगा? सर्च करेगा कंपोनेंट कंटेंट्स को। ठीक है, देखो तुम्हें जब भी तुम कंपोनेंट बनाओ, ठीक है, तुमको अपने माइंड में दो चीजें बार बार सोचनी है, ये कंपोनेंट क्या करेगा नंबर वन चीज, और ये कंपोनेंट क्या रिटर्न करके देगा। ठीक है, अभी अगर मैं इस सर्च कंपोनेंट की बात करूं तो ये क्या करेगा, यहां पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मैं लिख सकता हूं, दिस इज वन थिंग। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करके क्या देगा, जो भी मैं इसमें टाइप करूंगा ये मुझे रिटर्न करके देगा, तो बस मेरा काम खत्म है। मैं सिंपली कंपोनेंट बनाऊंगा, जो भी मैं टाइप करूंगा वो मैं रिटर्न करके दे दूंगा जो भी मेरा कंपोनेंट यूज करेगा। अभी थ्योरी में ये थोड़ा लाइक से हार्ड है बताना, बट लेट्स मेक इट यार। ठीक है, लेट्स मेक इट, एटलीस्ट हम कुछ तो कोड लिखें। यार मैं इसको हिला क्यों नहीं पा रहा हूं, ठीक है जस्ट अ सेकंड। तो लेट्स मेक दैट सर्च कंपोनेंट। ठीक है, तो ठीक है, सर्च कंपोनेंट रेडी है, एक फंक्शन जिसका काम है कुछ रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं यहां पे लगा देता हूं। सी आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं यहां पे करता हूं प्लेस होल्डर सर्च आ गया। ठीक है, अब मैं इस सर्च कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं अपने कुछ भी कंपोनेंट में। मैं चाहता हूं जब भी यूजर कुछ टाइप करे वो यहां पे दिखता रहे, ये सर्च के नीचे। ठीक है, तो कैसे मुझे पता चल सकता है कि यूजर ने कुछ टाइप किया? सबसे पहले तो मुझे खुद गेट करना पड़ेगा कि यूजर ने टाइप क्या किया। अब वो मैं इस सर्च कंपोनेंट में ही गेट कर सकता हूं। मैं यहां पे ऑन इनपुट, ये एक लाइक से एट्रीब्यूट या इवेंट है ऑन इनपुट, जैसे ही कुछ यूजर ने इनपुट किया मैं यहां पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं हैंडल इनपुट। ये जो मैं यहां पे कर रहा हूं ये बेसिकली मैं इवेंट बाइंड कर रहा हूं। जितने भी इनपुट्स होते हैं हमारे पास, हर इनपुट का इवेंट होता है, जो टेक्स्ट फील्ड और सर्च होते हैं उनका एक इनपुट होता है ऑन इनपुट। जब भी ये इवेंट हो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूं हैंडल इनपुट। अब इस हैंडल इनपुट को बना लेते हैं, और जब ये हैंडल इनपुट कॉल होगा मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, और मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और कंसोल करते हैं। वैल्यू का स्पेलिंग, अच्छा ठीक है, सी जो भी मैं टाइप कर रहा हूं वो मुझे मिल रहा है। अब अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को अपने पैरेंट कंपोनेंट में भेजनी है सर्च में, वो मुझे लाइक से कैसे भेज सकता हूं मैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाया प्रॉप भेज सकते हैं, उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा प्रॉप क्या है। तो प्रॉप क्या है, व्हाट इज अ प्रॉप, फंक्शन आर्गुमेंट। यस, सो जैसे नॉर्मल तुम फंक्शन कॉल करते हो तो तुम आर्गुमेंट भेजते हो,
props are arguments to the component, ठीक है? जैसे कि ये सर्च कंपोनेंट है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भेजना चाहूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट से, या ऐसे समझो जैसे तुम घर से बाहर जाते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ दें कि ये लो बेटा खा लेना, तो मैं भी सर्च कंपोनेंट मेरा चाइल्ड है, मैं भी चाहता हूँ कि भाई इसको कुछ दूं, तो मैं इसको फंक्शन दूंगा, एक फंक्शन गिव मी वॉट एवर यू हैव, मैं चाहता हूँ जब भी बाहर का कोई आदमी इसको कुछ दे, ये वो चीज मुझे बताए वैल्यू, ये मुझे एज अ आर्ग्यूमेंट मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू वैल्यू, और अब इसको मैं यहां भेज दूंगा सर्च में, ऑन सर्च, मैंने पैरामीटर का नाम रखा है ऑन सर्च, ठीक है? जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में किसी नेम के करिस्पॉन्डिंग कुछ भेजते हैं, और जो हमारा कंपोनेंट होता है उसमें जो प्रॉप्स हम एज अ आर्ग्यूमेंट भेजते हैं वो हमें एज अ ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है? ऐसे यहां पे मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं, एबीसी, एबीसी इज अ ऑब्जेक्ट, और इस एबीसी के अंदर ऑन सर्च है, मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं एबीसी, और अभी ये कंसोल हटा के मैं यहाँ पे ए बी सी डॉट ऑन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? और इसमें मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भेज देता हूँ, ये देखो ऑन सर्च आ गया, ए बी सी एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट? अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ सी वैल्यू वैल्यू 111, ये यहां पे आ रही है, ये पैरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड से मैंने भेज दिया, चाइल्ड से जब भी पैरेंट में भेजते हैं वाया फंक्शन ही भेजते हैं, ठीक है? अगर किसी को ये प्रॉप अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है? तो अजय भाई तुमने बोला था डार्क मोड, मुझे टाइम नहीं मिला यार, ओके सर, मैं सोचा था मैं कर लूंगा बट मुझे टाइम नहीं मिला, प्रॉप्स थोड़ी देर बाद बताने वाले थे, लेकिन पीछे वाले में एक क्वेश्चन था जो आपने ड्रॉ किया ना प्रॉप्स, हाँ अभी 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 जाएंगे उस पे, ठीक है? पूछ लेना, हाँ। अभी मैं अभी एक कंप्लीट कर देता हूँ प्रॉप्स। तो देखो हम एक नॉर्मल फंक्शन ऐसे बनाते हैं, ठीक है? टू टू, क्योंकि तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्रॉप का यूज लोग करते हुए दिखेंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट वे क्या है, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है? ये नॉर्मल फंक्शन है, ये जो टू और वन मैंने भेजा है रिएक्ट की दुनिया में इसको प्रॉप बोलते हैं, और नॉर्मल दुनिया में इसको आर्ग्यूमेंट भेजते हैं कहते हैं, ठीक है? अब इस सेम कोड को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ये क्लियर है गाइस? ये जो मैंने यहां पे किया, मैंने पहले क्या भेजा था, टू वन ऐसी नॉर्मल, अब मैंने एज अ ऑब्जेक्ट भेजा, और ओबीजे डॉट ए ओबीजे डॉट बी कर रहा हूं, क्लियर है ये? नथिंग फैंसी। अब इसको मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, ES6 में डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है? तो मैं सेम कोड को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है? दीज टू आर सेम, और अगर मैं इसको रीनेम कर दूं तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, एक प्रॉप प्रॉप प्रॉप, और कई जगह पे लोग डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है? तो जो बेस्ट वे है वो पर्सनली मुझे ये वाला लगता है, और इससे भी अच्छा एक वे है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो क्योंकि ऐसे में ना ये वाली लाइन बहुत लंबी हो जाती है, तुम जनरली दो तीन प्रॉप नहीं बहुत सारे भेजते हो, तो मैं क्या जनरली प्रिफर करता हूं कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, स्कोर
तुम भी चाहे तो ये वे यूज कर सकते हो। वेरिएबल में स्टोर नहीं, हाँ मतलब इस तरह से प्रॉप यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की फर्स्ट लाइन में मेरा काम होता है जो जो चीजें मैं इस प्रॉप से यूज करना चाहता हूँ उसको मैं एक्सट्रैक्ट आउट कर लूँ। ठीक है, इससे एकदम क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैं यहीं पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देता हूँ सो दैट अननेसेसरी क्रैश मेरी एप्लीकेशन ना हो। जावास्क्रिप्ट में 90% ऑफ टाइम्स डेवलपर की नल चेक की मिस्टेक की वजह से एप्लीकेशन क्रैश होती है। मेरे साथ अभी भी होता है ये। ठीक है, कहीं कहीं ना लग से इतना बड़ा कोड बेस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो हमें हमेशा नल चेक का ध्यान रखना है। क्योंकि सी, जब तुम सी जावा या किसी और प्लेटफॉर्म में काम करते हो, डेटा प्रिडिक्टेबल रहता है, सब कुछ लोकल सिस्टम में रहता है। बट वेबसाइट एक ऐसी चीज है, इतने सारे अननोन फैक्टर होते हैं, लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया, और लाइक से तुमने लैपटॉप का फ्लैप डाउनलोड कर लिया, ऑप्टिकल फाइबर कट गई, कनेक्शन वीक हो गया, इतने सारे रीजन की वजह से डेटा तुम्हें अनएक्सपेक्टेड मिल सकता है। तो हमेशा नल चेक का ध्यान रखो। और कई बार तुम्हें ये प्रॉप भी, फॉर एग्जांपल यूजर ने प्रॉप भेजा ही नहीं तो ये एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अनडिफाइंड में से निकाल रहा हूं, जैसे कॉन्स्ट एक्स, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भेजा ही नहीं तो ये देखो सीधे कैन नॉट डिस्ट्रक्चर एक्स ऑफ अनडिफाइंड। तो तुम्हें इसका भी ख्याल रखना है। ये तुम कैसे रख सकते हो, यहाँ पे इसको इज इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दो, सो दैट अगर यूजर ने कोई प्रॉप नहीं भेजा तो तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। तो ये तरीका मुझे सही लगता है, और सबसे खराब तरीका ये है। क्यों? क्योंकि कल को तुम तीसरी चीज भेजोगे, वो भी यूज करोगे, कोड बड़ा होता रहेगा, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम इस प्रॉप में से क्या क्या यूज कर रहे हो, फिर कोड पूरा कोड पढ़ो। बट अगर तुमने या तो ये यूज कर रखा है या तो ये, तो तुम्हें कॉम्पोनेंट के टॉप में ही पता चल जाएगा तुम क्या क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बताने का मेरा जो पर्पस था बस ये था कि तुम प्रॉप्स समझ सको। प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स आर इनपुट गिवन टू अ कॉम्पोनेंट फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट। ठीक है, और प्रॉप्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। तुम लोग जो इंटरेस्टेड हो वो पढ़ लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल इसका मतलब है प्रॉप्स चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर मैंने एक कंपोनेंट में प्रॉप पास कर दिया है तो वो प्रॉप चेंज नहीं हो सकता। वो प्रॉप तभी चेंज होगा जब पैरेंट कंपोनेंट चेंज करे। गाइस म्यूट कर लो यार। प्रॉप तभी चेंज होंगे जब पैरेंट कंपोनेंट उनको चेंज करेंगे। चाइल्ड कंपोनेंट, ये सर्च कंपोनेंट कभी भी एबीसी को चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करेगा तो अनएक्सपेक्टेड स्टेट में चला जाएगा। इसको धीरे धीरे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। अगर कोई पूछे व्हाट इज स्पेशल अबाउट प्रॉप्स, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। एक कंपोनेंट रिसीव किए हुए प्रॉप को कभी चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो भाई ये था प्रॉप्स। प्रॉप्स आर सिंपली आर्ग्यूमेंट्स टू अ कंपोनेंट। ठीक है, अभी यहां से मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है वेयर माय नेम टेस्ट। अभी मैं इसको भेजना चाहता हूं, कैसे भेज सकता हूं? एज अ प्रॉप। अब जो प्रॉप का नाम है ना, वो ये डिसाइड करेगा। कंज्यूमर कभी भी प्रॉप का नाम डिसाइड नहीं करेगा, रिसीवर डिसाइड करेगा उसको क्या चाहिए। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहां पे 10 चीजें भेज दूं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, रिसीवर डिसाइड करेगा उसको क्या चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इस, अभी मैं यहां पे इसे डिस्ट्रक्चर कर देता हूं यार, सर्च। ठीक है, अभी मैंने एबीसी भेजा है बट मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो एबीसी डिस्कार्ड हो गए।
ठीक है, कहीं यूज नहीं होगा उनका, बट अगर मैं चाहता हूँ यूज करना तभी मैं यूज करूंगा, निकालूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ एक एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है। जस्ट अ सेकेंड यार, ये मैं इसका आउटपुट दिखा दूँ फिर तुम क्वेश्चन पूछ लो अपना। ठीक है तू देखो यहाँ पे आ गया, इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ क्या इसमें जुड़ा तो नहीं है। ठीक है सी टू यहाँ पे आ गया क्योंकि मैं टू को यूज कर रहा हूँ। तो तुम भले ही 10 चीजें भेज दो, अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो वो सब डिस्कार्ड हो जाएंगी, वो रहेंगी, मतलब जब तुम चाहो यूज कर सकते हो, बट दे आर नॉट, मतलब ऐसे ही तुम्हें परेशान नहीं करेंगी वो चीजें। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो हम जब स्टेट्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि क्यों अननेसेसरी चीजें नहीं भेजनी चाहिए। इसमें बताओ गाइस कोई क्वेश्चन कोई डाउट? यस सर। सर जब हम प्रॉप्स को भेजते हैं सर कंपोनेंट से, तो वो जो वैल्यू भेजते हैं सर, तो वो जो कंपोनेंट में हमें रिसीव होता है सर, वो ऑब्जेक्ट्स रिसीव होता है, क्या होता है सर? हमें प्रॉप्स एज ए ऑब्जेक्ट रिसीव, प्रॉप्स एज अ ऑब्जेक्ट रिसीव होते हैं। यस सर। व्हाई? आई मीन इसके पीछे कोई रीजन है क्या? लाइक हाँ बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है, अगर तुम ऑब्जेक्ट में रिसीव नहीं करोगे तो तुम मनचाहा नाम यूज करोगे। फिर अभी जब मैं सर्च कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम किस नाम में वैल्यू भेजोगे। ये ऑन सर्च मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जो वैल्यू तुम भेजोगे वो ऑन सर्च में भेजोगे। ये देखो ऑन सर्च में भेज रहे हो, अब तुम इस ऑन सर्च को ऑन सर्च 6 नहीं कर सकते हो। अगर ऑन सर्च 6 कर दोगे तो मुझे मिलेगी नहीं वो, नाम मैं डिसाइड करूंगा, इसलिए ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती, तब डेवलपर को भी दिक्कत, जो कंपोनेंट कंज्यूम कर रहा है उसको नहीं पता चलेगा किस नाम में वैल्यू भेजना है, किस ऑर्डर में भेजना है, और जो कंपोनेंट बना रहा है उसको भी दिक्कत, उसको पता ही नहीं चलेगा कि डेवलपर किस ऑर्डर में भेजेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो मैंने पहले ए भेजा, बी भेजा, सी भेजा, फिर ऑन सर्च भेजा, ठीक है, बट अगर तुम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भेजते तो ऑर्डर भी मैटर करता, इसीलिए प्रॉप्स आर ऑब्जेक्ट नॉट अ नॉट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और उसको किसी भी नाम से हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? उसको सर डीस्ट्रक्चर करके हम किसी भी नाम से यूज कर सकते हैं? वो जो कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है वो डिसाइड करेगा। यस ठीक है दूसरा रोल ये होता ना ऑन सर्च पे जो आपने रिएक्ट में ऑन इनपुट लगाया, ऑन इनपुट और ऑन चेन में कोई फर्क होना था? हाँ, फर्क होता है ऑन इनपुट और ऑन चेंज में, बस एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है, जैसे कि यहाँ पे देखो सर्च लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा आर ए एच यू एल। अब अगर मैं इस एच को सेलेक्ट करके यहाँ पे एच लिखूंगा तो ऑन इनपुट कॉल होगा बट ऑन चेंज कॉल नहीं होगा। ऑन चेंज तभी कॉल होगा जब तुम्हारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज हो। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अगेन आर को सेलेक्ट करके आर करोगे तो ऑन इनपुट कॉल होगा, ऑन चेंज कॉल नहीं होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। क्लियर हुआ? जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मतलब इसमें कोई ना ना ना, ये दिस इज नॉट समथिंग की तुम इसके बारे में सोचो। जैसे देखो अभी आर है, मैंने आर सेलेक्ट कर रखा है, सबको दिख रहा है आर इज सेलेक्टेड। अगर मैं अपने कीबोर्ड में आर प्रेस कर रहा हूं, वैल्यू राहुल आई, ठीक है, दिस इज ऑन इनपुट। जब भी
टेक्स्ट फील्ड में कोई भी इनपुट होगा ऑन इनपुट इवेंट कॉल होगा, बट अगर मैं इसको कर दूं ऑन चेंज, ठीक है, रिफ्रेश किया, राहुल लिखा, अभी अगर मैं इस आर को सेलेक्ट करूं और आर प्रेस करूं तो ऑन चेंज कॉल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ. तो बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन इनपुट एंड ऑन चेंज. इसके अलावा दोनों एक ही जैसे काम करते हैं. रिएक्ट में लाइक से ऑन इनपुट ऑन चेंज ही इंप्लीमेंट करता है. आई प्रिफर ऑन इनपुट, तो मैं ऑन इनपुट ही यूज करता हूं. तुम ऑन चेंज भी कर सकते हो. बैंकिंग एप्लीकेशन में ये कंसर्निंग चीज हो जाती है, ठीक है, कि तुम कुछ भी चेंज वगैरह अलाउ नहीं करना चाहते, तो वहां पे फिर ऑन इनपुट तुम यूज कर सकते हो. तो बताओ सर, इन प्रॉप्ट फॉर्म आर्गुमेंट से हैंडल कर सकते हैं? सॉरी, जो सर हमें फंक्शन में आर्गुमेंट मिलता है ना, हाँ, उससे इसको हैंडल कर सकते हैं, मतलब उससे इसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, तुम्हारी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है. मेरे लिए कि सबके लिए? सर जो नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, उसमें आर्गुमेंट बनता है एरे टाइप का. हाँ हेलो, हाँ हाँ बताओ. भी मिलता है यार, तुम्हारी आवाज ना भाई नहीं आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन. हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर अब आ रही है ना? यार तुम्हारी आवाज ना रोबोट जैसे आ रही है, कट कट के आ रही है, मतलब एक बार ट्राई करो, अगर समझ पाया तो बता दूंगा. सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस में आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से सर इसमें भी होते हैं मतलब आर्गुमेंट्स? वो मैंने एनालॉजी बताई तुमको, ठीक है. यूज करने का तरीका अलग हो जाता है. लाइक से जैसे कि कहाँ गया, अब देखो नॉर्मली फंक्शन में तुम इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजते हो ना, ये देखो भेजने का तरीका ही एकदम अलग हो गया है, ठीक है. तो भेजने का तरीका बदल जाता है और यूज करने का तरीका वैसा ही रहता है. तुम सिंपली ऑब्जेक्ट में रिसीव करते हो और फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे तुम फंक्शन में करते हो वैसे कर सकते हो, बट भेजने का तरीका बदल जाता है. क्योंकि नॉर्मली फंक्शन में हम ऐसे भेजते हैं ना, सर्च ऐसे, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता क्योंकि ये यूआई है, ये जीएसएक्स है, तो जीएसएक्स में हम इस तरह से भेजते हैं. सर मेरे ये क्वेश्चन था कि मतलब जैसे हम फंक्शंस के अंदर हमें एक आर्गुमेंट टाइप का एरे मिलता है जिसमें हम मतलब नो, वो यहाँ पे नहीं होता. वही सर मैं, वी कैन फाइंड आउट. इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग. दिस इज फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करूंगा भाई, ये मैंने नहीं ट्राई किया. इंटरेस्टिंग भाई है यार, वो है, दिस इज समथिंग न्यू टू मी. सर तभी तो लाइब्रेरी है सर ये. हाँ तब देखो जावास्क्रिप्ट ही है, राइट. ये मैंने कभी ऐसे मतलब जावास्क्रिप्ट कोड में मैंने बहुत ट्राई किया है, ठीक है, बट रिएक्ट में ये मेरे माइंड में नहीं आया भाई कभी. बट यस यू कैन डू इट, सी स्पेशल ऑब्जेक्ट. हाँ ठीक है, कर सकते हो, ये तुम्हें मिल रहा है. देखो भाई जिसने भी पूछा, गुड क्वेश्चन, ये मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो. Nice. ठीक है अजय, बताओ तुम क्या पूछ रहे थे सर्च में? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने जो टेक्स्ट कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो ऊपर वाले होगा H1, कोई H2 होगा, कोई P होगा, तो एक कंपोनेंट को हम ये कैसे अलग अलग एलिमेंट पे डिवाइड कर सकते हैं? कैसे? अच्छा तुम H और P बनाना चाहते हो? हाँ, H और P, जैसे कि आपने बनाया ना पूरा टेक्स्ट कंपोनेंट, एक एक उसको बना दिया, तो यहाँ पे डिफरेंट है. रिएक्ट H में होगा, क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर कंपोनेंट्स, ये H2 होगा आई थिंक, कोई P होगा, कोई S Pen होगा, तो इसको हम
एक कंपोनेंट के थ्रू कैसे टैकल कर सकते हैं? बहुत ही आसान है भाई, ठीक है, कई तरीके हैं। मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा और ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इससे बेहतर तरीका खोज के लाओ। मैं बताऊंगा बेहतर तरीका, बट जब तुम में से कोई खोज के लाएगा, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट देखो, सबसे इजी तरीका है, मुझे, मैं सीख रहा हूं, मुझे सीखने से मतलब है, मुझे एक्सपेरिमेंट से मतलब है, मैं सबसे पहले वर्स्ट पॉसिबल वे में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। फंक्शन टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे पता है यूजर से मुझे क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है और क्या लेना है, टाइप। इस टाइप के लिए एक प्रिफर्ड नेम है जिसको बोलते हैं एज। एज डिफाइन करता है तुम्हें कैसा एलिमेंट चाहिए। मैं बाय डिफॉल्ट इसे स्पैन ले लेता हूं, ठीक है। अब बस बहुत बहुत आसान है। मैंने क्या कहा था, कंपोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। अगर यूजर एज में कुछ नहीं पास करेगा, दैट मींस इट्स ए स्पैन। ठीक है, बट अगर उसने एज में कुछ पास किया, क्या पास कर सकता है, गिनती के चार टैग हैं, H2 हो गया। अब ऐसे बना लो अपने केसेस। सो हमें कंडीशनल रेंडरिंग करना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट वे, वर्स्ट वे बट क्विकेस्ट वे, ठीक है। अब ये तुम्हारी जॉब है कि तुम इससे बेहतर कुछ खोज पाते होगी नहीं, ठीक है। तो देखो गाइस, मैंने तुमको आज ये बताया कि कैसे तुम कंपोनेंट्स सोचो, ठीक है। तुम्हारी जॉब है प्रोडक्ट डिसाइड करना कि तुम क्या बनाओगे। आज तुमको मैंने बता दिया कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हो। कोड से ज्यादा से दिमाग में जरूरी है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट तुमने सोचा है, कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं इस स्टोरी बुक का एग्जांपल लूं, तो तुम यहाँ पे कितने कंपोनेंट डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली जॉब है कंपोनेंट्स फिगर आउट करना। एक हफ्ते बैठ के सारे कंपोनेंट्स बनाओ। कंपोनेंट्स बनाते बनाते तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब कंपोनेंट्स बन जाएंगे, प्रोडक्ट तुम इजिली बना लोगे। तो अगेन, अगर अभी तक तुमने प्रोडक्ट नहीं सोचा है क्या बनाओगे, डिसाइड दी प्रोडक्ट और शुरू हो जाओ, ठीक है। अभी तुम्हें कोड नहीं करना, एटलीस्ट अपने दिमाग को रिएक्ट के वे में अलाइन करो। थिंक इन कंपोनेंट्स, सोचो कितने कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है। और लेट्स सी फिर कैसे जाता है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं तुमको बता दूंगा कैसे तुम एक कितना टाइम अपने पास कितने से कैसे तुम प्रोजेक्ट सेटअप करो, और बाई वीकेंड मतलब आफ्टर नेक्स्ट क्लास तुम अपने प्रोडक्ट पे शुरू हो सकते हो। मैं तो कहूंगा आज से ही या अभी से शुरू हो सकते हो। कंपोनेंट्स तो तुम नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अपने दिमाग में एक नोटपैड पे, कॉपी पे शुरू कर दो बनाना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है वर्चुअल डॉम। सर, कंपोनेंट्स कितने छोटे भी हो सकते हैं और बड़ा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा? देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अप्रोच रहती है। बाय डिफॉल्ट दो डिजाइन पैटर्न्स हैं। मैंने, तुम, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, फ्रंट एंड डिजाइन सिस्टम, तुम वो देख सकते हो। मैंने वहां पे डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो दो डिजाइन सिस्टम होते हैं, एटॉमिक, नॉन एटॉमिक, ठीक है। एटॉमिक में जो कंपनीज काम करती हैं वो है मटेरियल यूआई, गूगल की, ठीक है। और नॉन एटॉमिक में है एयरबीएनबी। अब क्या होता है एटॉमिक नॉन एटॉमिक में? एटॉमिक में होता है अपने यूआई को छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक कर दो, एटम के लेवल पे, और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को यूज करके एक बड़ा बड़ी एप्लीकेशन बनाओ। दिस इज एटॉमिक, ठीक है। नॉन एटॉमिक में क्या होता है कि तुम बहुत डीप में
तो ब्रेक नहीं करते हो, बट तुम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो, ठीक है। अभी अगर जैसे मैं तुमको एग्जांपल बताऊं एटॉमिक नॉन एटॉमिक का, तो ये जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बताया था, एटॉमिक में क्या होगा, जो मैंने तुमको बताया था वो एटॉमिक था, ठीक है, कि तुमने एकदम ग्रैनुलर में सबको बना दिया और फिर उनका यूज कर करके तुम पूरी स्क्रीन बना रहे हो। नॉन एटॉमिक में क्या होता है कि तुम इतने ग्रैनुलर में नहीं जाते हो, तुमने फॉर एग्जांपल ये फूटर है तो तुमने एक फूटर कंपोनेंट बना दिया, बीच बीच में तुमने कंटेंट कंपोनेंट बना दिया और ऊपर हेडर कंपोनेंट बना दिया, और इन सारे कंपोनेंट्स की जेएसएक्स तुमने हर जगह एक ही लिखी, अलग अलग नहीं की। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं और लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। लाइक नॉन एटॉमिक एटॉमिक को लोग मिक्स करके भी यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स को एकदम एटम के लेवल पे ब्रेक कर लिया, बट अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ऐसा कंपोनेंट है, जैसे मैं इस हेडर की बात करूं तुमसे, जिसमें एक इमेज है और टेक्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने कंपोनेंट बनाए हैं, देखो इस हेडर कंपोनेंट को, इमेज और इस टेक्स्ट को बनाने के दो तरीके हैं। या तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊं हेडर, ठीक है, और इसमें मैं एक इमेज टैग बनाऊं और एक टेक्स्ट बनाऊं स्पैन, दिस इज वन वे। व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे इज कि मैं यहां पे अपना इमेज कंपोनेंट यूज करूं और अपना टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करूं, ठीक है। अब दोनों ही तरीके सही हैं। पहले वाले तरीके का बेनिफिट ये है कि तुमको जब तुम्हें ये कोड किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, तुम सीधे हेडर का कोड दे सकते हो, ठीक है, ये दे सकते हो, बट तुम्हें बार बार ये चीज लिखनी पड़ेगी। इसका एडवांटेज ये है कि तुम्हें ज्यादा कोड खुद नहीं लिखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि कंपोनेंट बने बनाए हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ये है किसी के साथ शेयर करोगे तो तुमको इमेज और टेक्स्ट कंपोनेंट की फाइल्स भी देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लोग दोनों का मिक्स यूज करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। जैसे कि हम जब कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे होंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली उसको कंपोनेंट्स में सोच पाए? तुम एकदम ग्रैनुलर लेवल में ब्रेक करो, जितना छोटा ब्रेक कर सकते हो, जितना 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 ग्रैनुलर ब्रेक कर सकते हो करो, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यस, एटम के लेवल पे ब्रेक करो और फिर उन एटम्स को जोड़ जोड़ के चीजें बनाओ। तो यार अभी हम वर्चुअल डॉम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर मैं रैप करूंगा। तो वर्चुअल डॉम बताने के लिए मैं एक चीज सेटअप करता हूं, ठीक है, इसको बंद करते हैं और इसको साइड में लाते हैं। एंड रिएक्ट का सारा कोड मैंने ला दिया, यस, डोंट सेव। यहाँ पे मैं नॉर्मल एचटीएमएल एक बार लिखने का ट्राई करता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो देखो वी डॉम समझने से पहले मैं जावास्क्रिप्ट में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, और इसमें मैं एक की रखता हूँ टाइप h1 और कंटेंट है देयर आई एम लर्निंग, ठीक है, दैट्स इट। मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें टाइप और कंटेंट एक भी है। अब मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूं रेंडर टू यूआई, ठीक है, और सिंपली इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे पास कर देता हूं,
और मैं क्या करता हूँ, const element type obj dot type const content obj dot content. ठीक है, सिंपली दो वेरिएबल्स मैंने बना लिए हैं जो डेटा मुझे ऑब्जेक्ट से मिला है, और मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एक यूआई एलिमेंट बनाना चाहता हूं. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, const elm is equal to document dot create element. ठीक है, और क्या एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है, एलिमेंट टाइप, और सिंपली जो भी एलिमेंट है, elm dot inner टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेंट. मेरा एलिमेंट बन गया. अब मुझे सिंपली इसको बॉडी में एड करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम बॉडी. ये मुझे एक एरे देगी, इसके जीरो इंडेक्स पे जो भी है उसमें अपेंड कर दो. भाई क्या अपेंड करना है मुझे, एलिमेंट. Let's run it. अभी कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया. लेट्स कॉल इट. सी, हे देयर, आई एम लर्निंग VDOM. यहां पर मैंने एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके यूआई पर एक एक्चुअल डॉम एलिमेंट क्रिएट किया. इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूं. सी, ये डॉम में ऐड हो गया है. वर्चुअल डॉम सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, मैंने कल अपनी क्लास में बताया था कि रिएक्ट हम यूज करते हैं डॉम ऑपरेशन को मिनिमाइज करने के लिए. ठीक है, और रिएक्ट कैसे मिनिमाइज करता है डॉम ऑपरेशन, रिएक्ट यूज करता है वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट. अब ये वर्चुअल डॉम क्या है, जो एक्चुअल में मेरा डॉम बनता है जब मेरी एप्लीकेशन लोड होती है, रिएक्ट उस डॉम को रीड करता है. कैसे रीड करता है, इट्स वेरी सिंपल. जैसे फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन लोड होती है, लाइक से रिएक्ट के लिए इजी है यूज करना, राइट, सिंपली डॉक्यूमेंट, उसको मिल गया मेरा पूरे पेज का डॉक्यूमेंट. रिएक्ट इस डॉक्यूमेंट को रीड करके एक प्लेन जावास्क्रिप्ट बनाता है कुछ इस तरह से, जो मैंने यहां पे बनाया है. ठीक है, सिंपली जो भी टाइप होगा, कंटेंट होगा, वो एक प्लेन जावास्क्रिप्ट बनता है, और उस प्लेन जावास्क्रिप्ट को वर्चुअल डॉम डुप्लीकेट करता है. ओरिजिनल VDOM, ओरिजिनल VDOM सेम एज डॉम. ये ओरिजिनल वर्चुअल डॉम है जो सेम एज डॉम है, जो तुमको यूआई पर दिखता है, उसका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन. और एक दूसरा वर्चुअल डॉम बनता है जो होता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल VDOM. ठीक है, जो भी तुम चेंजेस करते हो अपने कंपोनेंट में, रिएक्ट वो सारे चेंजेस करता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल वर्चुअल डॉम ऑब्जेक्ट में. बोथ आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जब React को UI अपडेट करना होता है, वो सिंपली कंपेयर करता है क्या मेरे दोनों ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुआ है. अगर चेंज हुआ है तो React इस चेंज से रिप्लेस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, तुमने हे को हे टू कर दिया, तो अब React क्या करेगा, जो चेंज है उसको ओरिजिनल में डाल देगा और इस ओरिजिनल को UI पर दिखा देगा. ठीक है, तो वर्चुअल डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम is simply JavaScript plain object जो कि represent करता है हमारे DOM को. इसी वजह से React fast update करता है. क्यों? क्योंकि React like से पहले update से पहले JavaScript objects का comparison करता है. See, यहाँ पे कोई C++ कुछ नहीं involved है. ठीक है, यहाँ पर हम pure JavaScript लिख रहे हैं, तो that is comparatively fast. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइक से रिएक्ट फास्ट है और वर्चुअल डॉम फास्ट है, तो ये रीजन है. अब मैं नहीं मानता कि भाई
वर्चुअल डॉम एक ऑब्जेक्ट है, कैसे एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो लेट्स गो बैक टू आवर रिएक्ट कोड। ये क्लियर है राइट सबको? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऑब्जेक्ट का यूज करके, और लिटरली रिएक्ट अपने सोर्स कोड में यही करता है, ठीक है, इस तरह से। बट तब करता है और कैसे करता है वो अलग है, ठीक है, लाइक ही कैन मतलब चेक मल्टीपल थिंग्स। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस console.log सर्च एंड सी व्हाट वी गेट। कैन यू नॉट, ओ सी, इसीलिए मैंने बोला था कि यार डीस्ट्रक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू। सी, मैंने सर्च कंपोनेंट को एक फंक्शन की तरह कॉल किया है और मुझे क्या मिल रहा है, देखो दिस इज व्हाट योर जेएसएक्स कंपाइल्ड टू, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस दैट रिएक्ट फॉलोज। अभी मैं वाया डायग्राम समझाऊंगा। तो तुम्हारा ये जो जेएसएक्स तुमने लिखी है वो देखो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, प्रॉप्स में चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन में खोलूं तो लाइक से अगेन कुछ कुछ चीजें हैं। तो दिस इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी जेएसएक्स तुम लिखते हो वो टर्न्स डाउन टू दिस प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जो कि एक एक वी डॉम कह सकते हो, ये वर्चुअल डॉम नहीं है, ठीक है, बट यू कैन रिलेट लाइक दिस इज हाउ वर्चुअल डॉम गेट्स क्रिएटेड। नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सर्च और ये फंक्शन कॉल, दिस इज जस्ट अ फंक्शन कॉल जिसका रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कॉल, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कॉल किया, रिटर्न क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए जेएसएक्स में तुम मल्टीपल मल्टीपल जेएसएक्स रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दिस जेएसएक्स टर्न्स डाउन टू अ फंक्शन कॉल एंड फंक्शन कैन रिटर्न अ ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो सी यहां पे वही हुआ, मैंने सर्च को कॉल किया और सर्च ने मुझे सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया, दैट ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग माय कंपोनेंट, ठीक है। अब अगेन व्हाट इज दिस देन, सो दिस इज एक्चुअल रिएक्ट कंपोनेंट। जब हम अपने कंपोनेंट को इस तरह से कॉल करते हैं तब रिएक्ट मेरे कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है, तब रिएक्ट इंस्टेंशिएट माय कंपोनेंट। This is same like doing this, ठीक है, and this is same like say simply like say consoling search, ठीक है। जब हम इस तरह से करते हैं तो React हमारे component का object बनाता है, सारी states, सारे props, सारे life cycle methods instantiate होते हैं, हमारे component का object बनता है। and मैं ये कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने चेक किया है, कैसे, दोनों को कंसोल किया मैंने, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, मैंने जो पहला था इसमें देखो टाइप क्या आ रहा है, div, दूसरे को ओपन करूंगा इसमें टाइप देखो क्या है, फंक्शन सर्च, दिस इज अ लिविंग इंस्टेंस, दिस इज अ कंपोनेंट, दिस टाइप, दिस इज अ योर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, नॉर्मल parenthesis indicate your like say normal function call, but when you do this you instantiate your component, ठीक है। तो ये clear हुआ right, इन दोनों के बीच में क्या difference है। Okay, I take this as yes. Now let's understand कि कैसे तुम्हारा जेएसएक्स यूआई पे पहुंचता है। तो
कोड कॉपी करके लाना चाहिए था यार। ठीक है, दिस इज योर कॉम्पोनेंट्स। वॉट रिएक्ट डज, रिएक्ट कॉल्स इट लाइक दिस। ठीक है, एंड वॉट दिस कॉल गिव्स, दिस विल गिव यू दिस। ठीक है, एंड फिर इसका रिएक्ट क्या करेगा। रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है फाइबर का, जो मैं आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। रिएक्ट इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एक फाइबर बनाता है, फाइबर नोड। इस फाइबर नोड का क्या काम होता है, ऐसे समझ लो, तुम जितनी बार इस सर्च कंपोनेंट को कॉल करते हो उतनी बार तुम्हारा ये नया जनरेट होता है। ठीक है, बट ये जो फाइबर नोड है ये हर बार नया नहीं बनता, ये एक बार बन गया फिर बार बार रीयूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कॉम्पोनेंट बार बार रीरेंडर हो रहा है, तो तुम्हारा ये कॉम्पोनेंट ऑब्जेक्ट हर बार बनेगा। ठीक है, फाइबर नोड बस चेक करेगा कि क्या चेंज हो रहा है और उसी चेंज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा। अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अभी के लिए ऐसा समझ लो फाइबर नोड बस इस ऑब्जेक्ट पे एक रैपर है। ठीक है, अभी तुम्हारा कुछ भी यूआई पे नहीं बना है, तुम्हारा बस ये बना है लाइक से कॉम्पोनेंट इंस्टेंशिएट हुआ है। रिएक्ट ने इस कॉम्पोनेंट इंस्टेंशिएशन यूज करके फाइबर नोड बनाया है। अब ये फाइबर नोड कहां जाती है, रिएक्ट डॉम के पास। अब यहां पे काम आता है रिएक्ट डॉम का, जो दूसरी लाइब्रेरी है। इस रिएक्ट डॉम का काम है रिकॉन्साइलर और सारे एल्गोरिदम को किक इन करना, फाइंड आउट करना कि कहां अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है। जो रिएक्ट लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, ठीक है, इस रिएक्ट लाइब्रेरी का काम बस इतना है, तुमको यूज स्टेट ये सारे हुक्स वगैरह प्रोवाइड करना, कॉम्पोनेंट को इंस्टेंशिएट करना, फाइबर नोड वगैरह बनाना। जब वो बन जाए तो उन सारी चीज को रिएक्ट डॉम को दे देना, और रिएक्ट डॉम का काम है सारे डिफिंग एल्गोरिदम, रिकॉन्साइलर सबको किक इन करना और यूआई अपडेट करना। ठीक है, हम थोड़ा और टाइम आने पे ईच एंड एवरी चीजों को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि रिकॉन्साइलर कैसे काम करता है, फाइबर नोड क्या है। ठीक है, बट आज के लिए बस इतना समझ लो, जो कंपोनेंट तुम बनाते हो वो एट द एंड एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, जो अगेन रिएक्ट उसमें उसको रैप करके फाइबर नोड बनाता है, उस फाइबर नोड को भेजता है रिएक्ट डॉम में, रिएक्ट डॉम उस फाइबर नोड का यूज करके तुम्हारे यूआई को अपडेट करता है। ठीक है, और ये जेएसएक्स कैसे कन्वर्ट होता है इस ऑब्जेक्ट में वो मैंने तुमको कंसोल करके दिखा दिया। और ये है लाइव बैबल का लाइक से प्लेटफॉर्म, जहां पे मैंने कॉम्पोनेंट क्रिएट किया और ये कंपोनेंट कन्वर्ट हो गया सिंपली फंक्शन कॉल में। ठीक है, अब जब अगेन इस फंक्शन को तुम कॉल करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फायदा देखो रिएक्ट दे रहा है, रिएक्ट डायरेक्टली यूआई को नहीं अपडेट कर रहा। जब तुम रिएक्ट का यूज करके यूआई को अपडेट करते हो ये सारी प्रोसेस होती है। रिएक्ट कंपोनेंट को इंस्टेंशिएट करता है, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट मिलता है, फाइबर नोड बनता है और रिएक्ट डॉम चेक करता है वो चेंज हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तभी यूआई अपडेट होता है। ये क्लियर है गाइस, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आई एम ओपन टू डिस्कस। हेलो सर, ये फाइबर नोड कैसा होता है वो एक बार आप दिखा सकते हो क्या? नहीं, वो नहीं देख सकते, उसकी प्रॉपर्टीज दिखा सकता हूं बट अभी नहीं। आज के लिए फाइबर नोड बस इतना समझो, दिस इज जस्ट अ रैपर, मतलब ये बस तुम्हारे ऑब्जेक्ट को रैप करता है विथ एडिशनल फंक्शनैलिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी के लिए। अभी नहीं दिखा सकता मैं इसको,
अभी के लिए बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि ज्यादातर लेक्चर्स में सर जब हम लोग खास करके डिफिंग एल्गोरिदम या फाइबर के बारे में देखते हैं तो वहां पे सर केवल थ्योरी बता दिया जाता है और सर एक गिटहब पेज के ऊपर ले जाया जाता है जहां पे बोला जाता है ये थ्योरी पढ़ लेने के लिए, लेकिन सर वो काम कैसे करता है? अब हाँ बताया ना भाई, देखो अभी तुमको मैंने समझाया ना यार, सारी प्रोसेस मैंने यहाँ समझाई ना तुमको, मैंने क्या फाइबर नोड, मैंने तुमको क्या बताया क्या होता है फाइबर नोड। तो जैसे आपने फाइबर को लेके बताया कि जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है सर उसके ऊपर वो एक रैपर की तरह काम कर रहा है सर, रैपर और तो मैं अब बोल रहा हूँ, मैंने तो और कोई बताएगा क्या नाम है तुम्हारा सर? उत्तम। सॉरी सर, उत्तम। तो उत्तम भाई मैंने रैपर तुमको अभी बोला, मैंने फाइबर नोड ये बताया था, जब एक कंपोनेंट रिएक्ट इंस्टेंशिएट करता है इस तरह से, ठीक है, तो तुमको ये ऑब्जेक्ट मिलता है, दिस इज अ कंपोनेंट लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हर बार क्रिएट होता है जितनी बार तुम्हारा कंपोनेंट अपडेट होता है, ओके, दिस इज वन थिंग जो मैंने बताई। दूसरी चीज मैंने बताई, ये जो फाइबर नोड है दिस इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट जो कि इस ऑब्जेक्ट से बनता है। फाइबर नोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये हर बार नहीं बनता, ये बस एक बार बनता है, और फिर जब जब तुम्हारा कंपोनेंट री इंस्टेंशिएट होता है, अपडेट होता है, ये बस तुम्हारे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट से चीजों को रीयूज करता है, जो चेंज हुआ है वो अपने अंदर ले लेता है, अदरवाइज सेम ही रहता है, और हर कंपोनेंट के लिए अलग फाइबर नोड बनता है, जितने कंपोनेंट्स उतने फाइबर नोड, सारा मैजिक फाइबर नोड ही करता है। क्यों? क्योंकि ये बस एक बार बनता है और हमेशा लाइक से चीजों को रीयूज करता है, इसीलिए हम कीज वगैरह यूज करते हैं। मैं इस पे डिटेल पे नहीं जाना चाह रहा हूं अभी, ठीक है भाई, तो बस इतना समझ लो फाइबर नोड के बारे में कि ये जो कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनता है उससे ये डिराइव होता है और ये बस वन टाइम इंस्टेंशिएट होता है, उसके बाद ये बाकी चीजों को रीयूज करता है। अगर तुम्हारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होके पूरा अपडेट बन रहा है उसी केस में ये नया फाइबर नोड बनता है, अदरवाइज ये सेम ही रहता है। सर बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर, जैसे हम लोग सर जहाँ पे कंपोनेंट्स सेम लेवल के होते हैं सर, वहां पे सर हम लोग कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते वक्त कीज का यूज कर रहे होते हैं, तो सर वहां पे सर ये फाइबर, जैसे आप बताएं सर कि हर बार जब भी फंक्शन कॉल होगा तो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें जो चेंजेस होंगे फिर उसको सर फाइबर नोड खुद में लेता है, सर वो कीज के साथ फिर कैसे बिहेव करेगा? अगर कीज चेंज हुई है नया इंस्टेंस बनेगा, नया फाइबर नोड बनेगा, अलग अलग मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स को सर रिप्रेजेंट कर देंगे ना। हाँ तो अगर सब देखो सब अलग रहेगा तो अलग फाइबर नोड बनेगा। अब अगर तुम मुझे कोई कोड लिख के भेजोगे तब मैं उसमें तुम्हें बता पाऊंगा, ऐसे थ्योरेटिकल मैं नहीं बता पाऊंगा तुम क्या बोल रहे हो। तो जब तक बाकी लोग क्वेश्चन फ्रेज कर रहे हैं पूछ रहे हैं, तुम अपना कोड लिख लो और फिर मुझे बताओ ये कोड है इसमें ये हो रहा है क्या होना चाहिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सर जैसे अगर ई कॉमर्स नहीं, या तो तुम मैं स्क्रीन शेयर, तुम कोड लिख लो ना भाई, ऐसे मैं कैसे बिना देखे इन चीजों को ऐसे नहीं बता सकता मैं, तुम मुझे कोई एक ठीक है कुछ लिख के दो, कोई लिंक दो तभी बता पाऊंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है तुम नोट कर लो लिख लो और बाकी लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कोई इनकी उनकी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज फिर तुमसे ही डिस्कस कर लूंगा, किसी को कुछ नहीं पूछना होगा तो बताओ गाइस। और इसमें कोई डाउट सर? एक छोटा सा क्वेश्चन था बट ये वैलिड है कि नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। अभी मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग व्यू 3 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वर्चुअल डॉम है व्यू का, समझ लो अभी मैं कोई फॉर्म पे काम कर रहा हूँ और डेवलपर्स ने उस पे फंक्शनलिटी पहले से कर दी और मुझे बाद में यूआई करना है सम ऑफ रीजन, तो मैं अगर कंटिन्यूसली अगर काम कर रहा हूँ
तो कुछ टाइम के बाद ना मुझे वो पेज पे ना कैशे इशू आ जाता है, मतलब मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो मुझे कम्प्लीटली वापस शट डाउन करके मतलब प्रोजेक्ट शट डाउन करके वापस एनपीएम रन डेव करना पड़ता है। तो ये वर्चुअल डॉम की वजह से इशू हो रहा है या कैशिंग इशू हो रहा है वर्चुअल? तुम्हारा दो, देखो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ दो इशू हो सकते हैं। पहला कैशे का इशू हो सकता है, दूसरा जो तुम्हारा लाइक से एक जो भी वेब पैक वगैरह तुम यूज कर रहे होगे उसमें ये होता है HMR हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, की जब भी तुम कुछ चेंज करते हो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। या तो ये तुम्हारा ब्रोकन होगा या तो कैशे का इश्यू होगा। तुम ये कर सकते हो डिसेबल कैशे करके एक बार ट्राई कर सकते हो, सिंपली नेटवर्क पैनल ओपन करना और यहाँ पे एक ऑप्शन है ये डिसेबल कैशे, इसको चेक कर देना, ठीक है। और दूसरा ये इंस्पेक्ट पैनल ओपन रखना और ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन है ना इस पे क्लिक एंड होल्ड करना, तो तुमको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड करना। अगर इन चीजों से सॉल्व नहीं होता तो जो भी तुम्हारा सीनियर वगैरह हो ना उसको बोलो भाई ये जो बिल्ड प्रोसेस है इसको देखो, ये फिक्स करो इसको। मतलब HMR का इशू हो सकता है, ये वर्चुअल डॉम को कुछ नहीं है? नहीं नहीं, HMR का वर्चुअल डॉम से कोई लेना देना नहीं है। HMR तुम्हारा जो सर्वर रन होता है ना जो तुम करते होगे यार्न स्टार्ट या npm स्टार्ट, वो उस जो पैकेज मैनेजर वो सब उसकी चीज है, तुम सिंपली अपने अपने सीनियर को बोलना, ठीक है। बताओ गाइस ये जो मैंने बताया डिफरेंस वो क्लियर हुआ? एक टाइम पे कितने वर्चुअल डॉम बनते हैं चलो ये बता दो मुझे। दो बनते हैं सर। ठीक है चलो, तो भाई देखो यही प्रोसेस होती है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप कर देता हूँ। आई थिंक काफी लोग तो हैं। करण समझ में आया? करण है कि गया? हाँ राहुल समझ आ गया। जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था ना।